अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मून्स ब्यूटी पार्लर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। ये पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने ये पफ काटना सिखाया था वैकोमिंग के लिए। अब मुझे एक कमेंट आया था कि आप इसको लगाना भी बता दें, तो ये देखें मैं लगाना बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले हम दरमियान से मांग निकालेंगे वैकोमिंग के लिए, पोर्शन बनाने के लिए। ये बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी लाइन निकालेंगे, मांग निकाल लेनी है आपने। तो उसके बाद फिर हम इसका पोर्शन बनाएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल सीधी मांग निकाली है मैंने। और इसके बाद एयर टू एयर हम बाल निकालेंगे। ये पहले इस साइड से निकाल दिए और उसके बाद उस साइड से भी ऐसे ही एयर टू एयर बाल निकाल लेने हैं। फिर पीछे के बालों को सबको पकड़ कर आपने कोई कैचर लगा लेना है। और उसके बाद फिर हम इसमें पफ सेट करेंगे, ऊपर पैड सेट करेंगे। ये देखें, इस तरह से कैचर लगा लेना है। और अब ये जो मैंने काटा था पैड सा फोम के साथ, उसको अब हम इस जगह पे फिक्स करेंगे। ये देखें, पिन्स की मदद से ये इस तरह से लेना है और इसको बिल्कुल दरमियान में रखना है। इस तरह रख के उसके बाद इसको साइड से दो एक ही हाथ की मदद से इसको ऐसे पकड़ लेना है। उसके बाद इस जगह पे हम इस पे पिन लगाएंगे। ये देखें, ये लिया मैंने पिन, इसके मदद से हम इसको फिक्स करेंगे। इस पिन को हम इस फॉर्म के अंदर एडजस्ट करेंगे, बालों को और फॉर्म के अंदर इसको घुसा देंगे इस तरह से। ये बहुत ही इजीली लग जाती है, कोई भी मुश्किल नहीं होती। ये बहुत ही इजी तरीका है वैकोम करने का। इस एक तो इससे वैकोमिंग बहुत ही नीट होती है, बहुत ही साफ़ सुथरी साफ होती है। और ये देखें, इस साइड से इसी तरह हम इसके अंदर पिन को घुसा लेंगे। लेकिन ख्याल करें कि क्लाइंट के सर में पिन ना चुभ जाए, इसका ख़ास ख्याल रखना है। इस तरह से ये देखें, ये मैंने पिन लगा ली है बिल्कुल दरमियान में। अब हम वैकोमिंग के लिए आगे से पोर्शन निकालेंगे। ये देखें जी, ये बिल्कुल इस फोम के बराबर हमने ये बाल निकालने हैं। ये जहाँ तक हमने फोम लगाया है उसके बराबर ही हमने निकालने हैं। ये देखें इतने, उस साइड से भी ऐसे ही निकाल लेने हैं पूरे बाल, इनको पकड़ लेना है। अगर हम अलग अलग पोर्शन, ये जैसे मैंने ये वाला पोर्शन निकाला है, अगर मैं इसके साथ पहले बैक होम करना शुरू कर दूं और फिर उस साइड को फिर उठा के रखूं, तो दरमियान में एक लाइन क्रिएट हो जाती है जो बहुत ही बुरी लगती है बैक होमिंग में। इसलिए बैक होमिंग को नीट करने के लिए ऐसे पूरे बाल उठाएँ आगे से। उसके बाद पतली सी लेयर ली मैंने, इसको ऐसे हल्का सा टीच करना है ताकि ज़्यादा बाल भी ना ख़राब हों और ये बिल्कुल सही से इसके फॉर्म के ऊपर फिक्स हो जाएं। ये देखें जी, ये लगा लिया मैंने, इस तरह रख लिया है। और अब दूसरी लेयर निकालेंगे। इस लेयर को भी हमने इसी तरह से हल्का सा टीच करना है। ये देखें, ऐसे हल्का सा टीच करने के बाद इसको भी इसी के ऊपर रख देना है इन बालों के। ये देखें, इसको फिर हम पीछे से थोड़ा सा उठा के भी बना सकते हैं, पीछे से इसको पुश करके थोड़ा सा आगे भी कर सकते हैं पिंस लगाते टाइम। और अगर आप इसको पिंस ना भी लगाएं, ऐसे भी है जैसे बाल बनते हैं, रोल होते हैं पीछे से पूरे बाल, तो इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। पर इनसे इनके ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दें ताकि बाल वहीं फिक्स हो जाएं। लेकिन हम ये भी वैकोम करने लगे हैं तो इसलिए ये मैंने हाफ वैकोमिंग करने लगी हूँ। फुल अगर करना चाहें तो साइडों से बाल लेके भी हम कर सकते हैं,
फुल बैक ऑन भी हो सकती है इसी फॉर्म के साथ जो हमने फिक्स किया है। ये देखें जी, अब हम इसको मैंने पीछे से थोड़ा सा उठाया है, देखें जी मुझे थोड़ी सी नीट नहीं लग रही थी, फिर मैंने थोड़े से और यहाँ से बाल लिए और ये देखें इस तरह से इसको पीछे से आगे की तरफ थोड़ा सा पुश करके उसके बाद ये पिन फिक्स किया इसमें। ये देखें और क्रॉस पिन्स लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहती हैं, ज़्यादा अच्छी लगती हैं, नीटनेस आती है। ये देखें जी, ये हमारी बैक होम बन चुकी है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।